नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyissales@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहले हम बेसिक्स रिवाइज करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, उसके बाद मेंस पर्सपेक्टिव से एनालाइज करेंगे। और अगर कोई पर्सन पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देना चाहता है तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सहायता से चंदा दे सकता है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स देखो एक प्रकार के प्रोमिसरी नोट हैं। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं कैसे ये पूरा कंसेप्ट काम करता है। मान लीजिए मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना है तो मैं डेजिनेटेड बैंक के पास जाऊंगा। फॉर एग्जांपल SBI डेजिनेटेड बैंक है और इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को बेच रहा है। किस डिनोमिनेशन में? 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1,00,000 की डिनोमिनेशन में मैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड को परचेज कर सकता हूं SBI से, जो कि डेजिनेटेड बैंक है इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को बेचने के लिए। देखो मैं पैसे दूंगा SBI बैंक को और मान लीजिए मैंने 1,000-1,000 के 5 इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद लिए। SBI को ये तो पता है कि मैंने 5 इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स खरीदे हैं 1,000-1,000 के, लेकिन SBI बैंक को ये नहीं पता कि मैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को अपना ये चंदा देने वाला हूँ, ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स देने वाला हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर मेरा नाम नहीं है। आप एक बार सैंपल पेपर भी देख लीजिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड का। यहाँ पर देखो जिसने इलेक्ट्रोल बॉन्ड को परचेज किया है उसका नाम नहीं है इस बॉन्ड के ऊपर, ये प्रोमिसनरी नोट है। उसके बाद देखो मैं जाऊँगा उस पोलिटिकल पार्टी के पास जिसको मैं ये अपना इलेक्ट्रोल बॉन्ड देना चाहता हूँ। कुछ कंडीशंस भी हैं कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की सहायता से चंदा ले सकती हैं। जैसे कम से कम 1% वोट हासिल हुए होने चाहिए उस पॉलिटिकल पार्टी को जनरल इलेक्शंस में या फिर लास्ट असेंबली इलेक्शंस में। वो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत। तो ये 2-3 कंडीशंस हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अगर वो एलिजिबल होना चाहती हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के थ्रू चंदा लेने के लिए। अगर देखो जो भी पर्सन इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को परचेज करता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने के लिए, मान लीजिए मैंने आज 29 अक्टूबर को इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को परचेज कर लिया, तो 15 दिनों के अंदर अंदर मुझे वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को देना होगा। यानी वैलिडिटी जो है वो 15 दिन है। 15 दिनों के बाद अगर मैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड को किसी पॉलिटिकल पार्टी को देता हूँ तो वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड किसी उस पॉलिटिकल पार्टी के किसी काम का नहीं रहेगा। यानी पॉलिटिकल पार्टी जब अपने बैंक में जाएगी, मुझे पैसा दे दो ये मेरे पास इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, लेकिन 15 दिनों से ऊपर हो चुके होंगे तो बैंक उनको पैसा नहीं देगा, बैंक इनकार कर देगा। यानी वैलिडिटी 15 दिन है इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की खास बात, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो पर्सन इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को परचेज कर रहा है उसका नाम नहीं होता ऊपर। यानी SBI बैंक से अगर इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को परचेज किया गया तो SBI बैंक को नहीं पता कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड को खरीदने वाला पर्सन किस पॉलिटिकल पार्टी को ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड देगा। और जब वो पर्सन इलेक्ट्रोल बॉन्ड को दे चुका होगा पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं वो जाएंगे उस बैंक के पास जहां पे पॉलिटिकल पार्टी का खाता है। अब देखो मान लीजिए ABC पार्टी को दिया गया है इलेक्ट्रोल बॉन्ड, ABC जाएगा HDFC बैंक में जहां उसका खाता है। HDFC बैंक को ये तो पता है ABC पॉलिटिकल पार्टी को इतना पैसा हासिल हुआ है इलेक्ट्रोल बॉन्ड की सहायता से, लेकिन ये नहीं पता है किसने दिया है। तो काफ़ी बार ऐसा देखने को मिलता है कोई एक पर्सन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देता है, लेकिन बाद में जो अपोजिशन पार्टी सरकार में आ जाती है तो उन पर्सन्स को हरास किया जाता है जिन्होंने अपोजिशन पार्टीज को चंदा दिया होता है, लेकिन इस माध्यम से पता नहीं लगेगा किस पर्सन ने किस पार्टी को चंदा दिया है। लेकिन एक कंट्रोवर्सी भी पैदा हो गई थी। कंट्रोवर्सी ये थी, कुछ लोगों का कहना था इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर इस प्रकार की नंबरिंग है, ये हिडन नंबर कहीं ना कहीं बता सकते हैं कि
किस पर्सन ने किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया है, यानी पूरी तरह से जो कहा जा रहा था एम्बिग्यूटी रहेगी, पता नहीं लगेगा कौन किसको चंदा दे रहा है, ऐसा वास्तव में होगा नहीं, कुछ लूप होल है, इस प्रकार की जो नंबरिंग होगी उससे पता चल भी सकता है। तो इस प्रकार से हमने बेसिक्स डिस्कस किए इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम के। जब ये स्कीम आई थी तो कहा यह गया था इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की स्कीम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लेके आएगी, लेकिन आज के आर्टिकल में कहा जा रहा है लूप होल्स इतने ज़्यादा हैं इस स्कीम के अंदर, थोड़ी बहुत जो ट्रांसपेरेंसी पहले सिस्टम के अंदर थी वो ट्रांसपेरेंसी भी खत्म हो जाती है इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स स्कीम्स की वजह से। ओपी रावत चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, कुछ ही दिनों पहले रिटायर हुए हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने क्रिटिसाइज किया इस स्कीम को, इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम्स को। उन्होंने कहा कि देखो पॉलिटिकल पार्टीज के एक्सपेंडिचर पर कोई सीलिंग नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स स्कीम की सहायता से पॉलिटिकल पार्टीज ब्लैक मनी से पैसा हासिल कर सकती हैं, डोनेशन हासिल कर सकती हैं, इवन विदेशों से पैसा आ सकता है। इलेक्शन कमीशन मॉनिटर नहीं कर सकता क्योंकि सीक्रेसी है, सब कुछ सीक्रेट है। इवन सेल कंपनीज की सहायता से भी डोनेशन आ सकता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज के पास। पहले देखो एक रूल हुआ करता था, कोई भी कंपनी अपने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 7.5% से ज़्यादा किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा नहीं दे सकती थी, लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम आने के साथ ही इस रूल को भी खत्म कर दिया गया है। तो इसका नुकसान ये होगा फर्जी कंपनीज यानी सेल कंपनीज के माध्यम से भी अब पॉलिटिकल पार्टी चंदा ले सकेंगी। दूसरा नुकसान इलेक्ट्रोल बॉन्ड से देखो ये हुआ है, मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को परचेज करती है किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने के लिए, अब उस कंपनी को ये डिस्क्लोज करना अनिवार्य नहीं है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को उसने चंदा दिया है। तो सिचुएशन ऐसी होगी उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को, यानी जिन लोगों के शेयर्स हैं उस कंपनी में, उनको भी नहीं पता होगा कि हमारी कंपनी ने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया है। सिर्फ कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, जो बोर्ड के सदस्य हैं, वो निर्णय लेके किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे देंगे, लेकिन शेयर होल्डर्स तक को पता नहीं लगेगा। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज को ये डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है कि किसने उनको इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के माध्यम से चंदा दिया है। देखो एक डेमोक्रेसी में वोटर को सब कुछ पता होना चाहिए कि जिस पॉलिटिकल पार्टीज को वो वोट देने जा रहे हैं उसके बारे में तमाम तरह की इंफॉर्मेशन वोटर के पास होनी चाहिए। तो इसीलिए ये गलत है डेमोक्रेसी में वोटर को इन्फॉर्मेशन से वंचित रखना कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो वोट देने जा रहे हैं उस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा कहां से प्राप्त हुआ है। वोटर के पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बाद राइटर दो जजमेंट्स की बात करते हैं। सिमिलर पिटिशंस फाइल की गई थी कलकत्ता हाईकोर्ट में और बॉम्बे हाईकोर्ट में 1957 में। बॉम्बे हाईकोर्ट की हम बात करें, वहां पर टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी लिमिटेड के द्वारा पिटिशन फाइल की गई थी बॉम्बे हाईकोर्ट में कि उनके पास अधिकार होना चाहिए कि वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अमेंड कर सकें ताकि उनके द्वारा विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दिया जा सके। तो एमसी वागले उस समय जस्टिस थे, जस्टिस एमसी वागले ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के लिमिटेड को कहा कि आप ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर करोगे क्योंकि ये गंभीर मामला है डेमोक्रेसी के लिए। तो टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी लिमिटेड के वकील ने कहा देखो ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट में हम ये बता सकते हैं कि हमने डोनेशन दिया है पॉलिटिकल पार्टी को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो उस समय जस्टिस एमसी वागले ने कहा था कि भैया आपके शेयर होल्डर्स को ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को आपने चंदा दिया है, बल्कि इलेक्टर्स को भी ये पता होना चाहिए, यानी वोटर्स को भी ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी को चंदा कहाँ से मिला है। अगर ये नहीं पता होगा वोटर्स को तो डेमोक्रेसी अधूरी है। इसी प्रकार से कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस पी बी मुखर्जी ने कहा था कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दोगे, कल को अगर वो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है तो आप उस पॉलिटिकल पार्टी से काम करवाओगे, आप उस पॉलिटिकल पार्टी को बोलोगे कि आप पॉलिसीज हमारे हिसाब से बनाइए। तो ये एक प्रकार से क्रोनी कैपिटलिज्म होगा, इसलिए जनता को सारी जानकारी होनी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी कंपनीज के हाथों में खेल रही हैं, कहां से उनको पैसा प्राप्त हो रहा है। इन दोनों जजमेंट्स में जजेस आह्वान करते हैं पार्लियामेंट से कि आप कानून बनाइए कोई इस संदर्भ में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। उसके बाद देखो यानी 1957 के बाद विभिन्न सरकारें जो आईं
उन्होंने अपने अपने लेवल पर स्टेप्स उठाए ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कंपनी अपने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा डोनेट नहीं कर सकती किसी पॉलिटिकल पार्टी को. इस प्रकार के काफी सारे स्टेप्स उठाए गए थे. लेकिन ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जो स्कीम है वो बल्कि रिग्रेसिव है. वो ऑलरेडी जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, उसको भी डाइल्यूट करता है. लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है, इस स्कीम को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है 2 ग्राउंड्स पे. पहला ग्राउंड देखो ये है, इस स्कीम को लाने के लिए काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स की गई. फॉर एग्जांपल, इनकम टैक्स एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, ये सारी अमेंडमेंट्स की गई एक मनी बिल की सहायता से. देखो कौन सा बिल मनी बिल हो सकता है, उन सब कंडीशंस के बारे में लिखा हुआ है हमारे संविधान के आर्टिकल 110 में. फैसला अंतिम लोकसभा स्पीकर को करना होता है कि बिल मनी बिल है या फिर नहीं है. विशेषता मनी बिल की ये होती है, राज्यसभा में मनी बिल को पास करवाने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ लोकसभा में पास करवाने की आवश्यकता होती है. पिटिशनर ने अपनी पिटिशन में कहा है कि सरकार जो ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड का स्कीम लेके आई है मनी बिल की सहायता से, वो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है. दूसरा ग्राउंड जो बताया है पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम को खत्म करने के लिए, वो ये है, वैसे देखो हमारे संविधान में डायरेक्टली यानी एक्सप्लिसिटली साफ साफ राइट टू वोट के बारे में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी विभिन्न जजमेंट्स में फ्रीडम ऑफ वोटिंग की बात करते हैं. फ्रीडम ऑफ वोटिंग की बात करते हैं राइट टू फ्रीडम और राइट टू पॉलिटिकल इक्वालिटी के बेस पर, और राइट टू फ्रीडम के अंदर राइट टू नॉलेज और राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आ जाता है. यानी जनता के पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए किसी भी लोकतंत्र के अंदर उस पॉलिटिकल पार्टी में जिसको वो वोट देने जा रहे हैं. जैसा हमने पहले डिस्कस किया, अगर किसी लोकतंत्र में वोटर्स को पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो इसका मतलब उस देश का लोकतंत्र अधूरा है. तो ये 2 ग्राउंड्स दिए गए हैं पिटिशनर के द्वारा. ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स स्कीम के बारे में. चलते हैं आगे, क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है. पहले पार्ट में आपको इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम्स के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करना है, और दूसरे पार्ट में आपको ये बताना है ऐसा क्यों कहा जाता है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम्स की वजह से पॉलिटिकल फंडिंग में और ज़्यादा अस्पष्टता आई है. 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है. चलते हैं आगे. तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.